तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एबीएस टेक। जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटा या घंटी जो भी मिलेगा उसे बचाना जोर से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आज हम सीखते हैं कुछ नया। एचपी लैपटॉप का ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब किसी भी लैपटॉप का ड्राइवर्स इंस्टॉल करना कैसे है, वो सिर्फ आप किसी भी लैपटॉप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एचपी लैपटॉप का ड्राइवर्स इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एचपी ड्राइवर्स सर्च करना है। एचपी ड्राइवर्स सर्च करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है एचपी ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर डाउनलोड्स फॉर एचपी प्रिंटर्स लैपटॉप एक्सेट्रा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स उसमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लैपटॉप वाले ऑप्शन है उसमें सेलेक्ट करना है। इसमें सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर क्या करना है, आपका जो लैपटॉप का सीरियल नंबर है या फिर मॉडल या फिर प्रोडक्ट का जो मॉडल है जो भी है उसको यहाँ पर डालना है, वरना आपका जो ड्राइवर है वो नहीं दे पाएगा एचपी सपोर्ट्स वाले ने। तो यहाँ पर आपका जो सीरियल नंबर है मैं उसको कोड करता हूँ। तो सीरियल नंबर कोड करने के बाद यहाँ पर सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आपके प्रोडक्ट का जो रिलेटेड सपोर्टेड सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स है वो सब आपके सामने आ जाएगा। तो किसी भी लैपटॉप का अगर आपने ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपका कीबोर्ड या फिर टचपैड या फिर माउस ठीक तरह से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है F1 से कीबोर्ड के ऊपर वाले बटन है F1 F2 F3 का जो बटन है वो सब काम नहीं करेगा अगर आपके पास कीबोर्ड का ड्राइवर्स नहीं है। और आपके पास माउस का भी जो टचपैड का ड्राइवर्स नहीं है तो माउस का जो राइट लेफ्ट वो सिर्फ काम करेगा, लेकिन जो खाली जगह है उसमें अगर आपको टच करने का बहुत सारे ऑप्शंस है वो आप सबको काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या होगा, प्रोडक्ट का जो सीरियल नंबर है डालने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर क्या करना है, आपको कीबोर्ड वाला मुझे तो क्या करना है, कीबोर्ड और माउस का ड्राइवर्स इंस्टॉल करना है। तो कीबोर्ड और माउस का ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये चार ऑप्शन है, यानी कि चार ड्राइवर्स हैं, उन सबको आपको इंस्टॉल करना है। तो मैंने पहले ही दो को इंस्टॉल कर दिया है, तो आप तीसरे वाले को डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। डाउनलोड यहाँ पर गेट स्टार्ट में क्लिक करना है। उसके बाद ये डाउनलोड हो रहा है, ओपन एचपी डाउनलोड यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डाउनलोडिंग हो रहे हैं। डाउनलोड होने के बाद क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल में क्या क्लिक कर देना है। तो अब ये डाउनलोड हो रहा है, आप देख रहे हैं डाउनलोड मोर में ड्राइवर्स। अगर आपके पास अच्छे ग्राफिक्स नहीं है तो आप किसी भी एचडी वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देख पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर ग्राफिक्स वाला जो ड्राइवर्स है उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अबाउट ड्राइवर्स ग्राफिक्स, अगर आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर जाने के बाद सॉफ्टवेयर ड्राइवर नेटवर्क है, यहाँ पर जाने के बाद आपको नेटवर्क का जो ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है तो ब्लूटूथ का जो है उसको इंस्टॉल कर देना है। ये आप देख रहे हैं ब्लूटूथ है, वायरलेस वाईफाई सब ड्राइवर यहाँ पर मौजूद है, कई आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप बात है, अगर आपके पास एचपी लैपटॉप नहीं है, एसर या लेनोवो या फिर कहीं भी लैपटॉप है, तो उसको कैसे ड्राइवर्स इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए सेम यही तरीका है। उसका जो सपोर्ट वाले वेबसाइट है उसमें जाना है, उसी तरह एसर ड्राइवर्स क्लिक करने के बाद ऐसा ही ऑप्शन आएगा यहाँ पर, उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स में क्लिक करना है और आपका जो लैपटॉप है उसका सीरियल नंबर पोर्ट कर देना है। उसके बाद आपके सामने ड्राइवर सॉफ्टवेयर सब कुछ आ जाएगा और उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद उसको इंस्टॉल करने का तरीका सबको तो पता है, कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं ऐसे ही उसको इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डाउनलोड हो गया, तो आप क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल नाउ में क्लिक कर देना है या फिर यहाँ पर व्यू फोल्डर में जाने के बाद आपको यह भी मिल सकता है इंस्टॉल करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इंस्टॉल करते थे, ये इस पर क्लिक कर देना है।
आप देख रही है यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट यह भी इंस्टॉल हो रहा है। अब तो ये इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट आई एक्सेप्ट में क्लिक कर देना है। फिर से नेक्स्ट। अब ये सेटअप फाइल टेस्ट, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये सेटअप फाइल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर फिनिश में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा रिस्टार्ट नाउ में क्लिक कर देना है तो रिस्टार्ट हो जाएगा। और रिस्टार्ट लेटर में क्लिक करोगे तो लेटर भी रिस्टार्ट हो जाएगा। अगर रिस्टार्ट नहीं करोगे तो जो ड्राइवर्स इंस्टॉल हुआ है वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर देख रहे हैं यू मस्ट रिस्टार्ट कंप्यूटर टू अप्लाई दिस चेंजेस। तो हम उसको अब क्या करेंगे, रिस्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों ऐसा ही आप एचपी लैपटॉप का ड्राइवर्स अपडेट भी कर सकते हो एसी वेबसाइट से और इंस्टॉल भी कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी कर देना।